जिला प्रशासन के निर्देश पर महेवा मंडी में बुधवार को फलों का थोक और फुटकर रेट निर्धारित हो गया। इस संबंध में महामंत्री फ्रूट्स एसोसिएशन विजय कुमार सोनकर ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए फल मंडी के व्यापारियों ने उपभोक्ताओं को सही रेट पर फल प्राप्त हो सके, इसको देखते हुए सभी व्यापारियों के सहयोग से प्रतिदिन फलों का रेट निर्धारित कर दिया जा रहा है और हम लोग सभी फुटकर फल विक्रेताओं से भी कह रहे हैं कि इस महामारी में ज़्यादा प्रॉफिट लेकर फलों की बिक्री ना करें, जिससे कि सभी के पास फल पहुंच सके। निर्धारित रेट से ज़्यादा कोई ओवर रेटिंग करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए फल मंडी निरीक्षक लाल बहादुर फ्रूट्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय सोनकर ने कहा, मेरा विजय कुमार सोनकर, महामंत्री गोरखपुर फ्रूट्स एसोसिएशन। इसके संबंध में ही कहना, कोरोना महामारी को देखते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए हम व्यापारियों ने कि उपभोक्ताओं को सही रेट और निश्चित रेट पे ही फल प्राप्त हो सके, इसलिए हमने डेली अपने व्यापारियों को संपर्क में लेकर के डेली का डेली रेट निश्चित कर देते हैं कि फुटकर मार्केट में उसकी वैल्यूएशन को देखते हुए अपने प्रॉफिट कम से कम पे रख करके सबको उपभोक्ताओं को उपयोग में के प्रेरित करें कि उनको ज़्यादा मुनाफा न मिले और जितने भी उपभोक्ता उनको सही रेट पे फल को खाने की प्राप्ति हो सके। सर आज का रेट क्या है? आज का रेट है जो है केला, हमारे वहाँ कच्चा केला महाराष्ट्र और आंध्र का 1100 रुपये रेट है कुंटल का है, और सेब का 7000, सेकंड क्वालिटी 4500 और थर्ड क्वालिटी 2500 रुपये, और अनार का अंगूर का रेट जो है 5000 से 3500 रुपये कुंडल का रेट था। अनार बेस्ट क्वालिटी का 7000 रुपये और छोटे दाने का रेट 3500 रुपये कुंडल का रेट था। मौसमी 1900 रुपये फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी 800 रुपये कुंटल का रेट था। पपीता फर्स्ट क्वालिटी 20 रुपये 2000 रुपये कुंटल और सेकंड क्वालिटी 1500 रुपये कुंटल, और तरबूजा 900 से 800 रुपये कुंटल का रेट रहा। और हमारी जो हमारे फुटकर व्यापारी हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वो कम प्रॉफिट पे इस त्रासदी को देखते हुए कम प्रॉफिट ले करके लोगों को उपभोग में प्रस्तुत करें, उनको किसी प्रकार की परेशानी न उठानी। अगर कोई ओवररेटिंग करता है तो क्या पाएगा? अगर कोई ओवररेटिंग करता है, चाहे हमारा थोक मंडी हो चाहे फुटकर मंडी हो, तो इस पर कार्रवाई शासन के द्वारा कराई जाए। हमारा लाल बहादुर मंडी निरीक्षक फल मंडी। सर फल मंडी में भी फलों का रेट निर्धारित लगभग कुछ दिन पहले से किया जा रहा है, और इसमें व्यापारी और अड़तियों लोगों का भी सहयोग है, और रेट में भी कोई ओवर राइटिंग करता है तो उसके लिए हम लोग कार्रवाई किया जाएगा।